जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी माचिस मांगने के बहाने नाबालिग के घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती कर छेड़खानी की। नाबालिग के चीखने पर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये बिर्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता के द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वो घटना दिनांक को घर पर अकेली थी और उसी दौरान गांव का रहने वाला चंद्रराम कुर्रे जो माचिस मांगने के बहाने घर पर आया और जबरदस्ती घर पर घुस गया और जो नाबालिग पीड़िता थी उसके साथ छेड़खानी करने लगा। इस पर पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 454, 354 और 506 आईपीसी के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत भी इसमें जोड़ी गई थी। और इसमें घटना दिनांक के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसमें पुलिस के द्वारा आरोपी की पतासाजी है तो मुखबिर लगाए गए थे। मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी चंद्रराम कुर्रे होली के लिए घर में आया हुआ है, जिससे पुलिस की टीम वहां तत्काल रवाना हुई और घेराबंदी करके चंद्रराम कुर्रे को पकड़ा गया और इसमें विधिवत गिरफ्तारी कर चंद्रराम कुर्रे को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।